नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं KDM एनसाइक्लोपीडिया के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सुपर हैंडेड हरियाणा और सुपर हैंडेड NDA के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर हैंडेड हरियाणा के बारे में। सुपर हैंडेड हरियाणा, जिनकी जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी वो अभी समाप्ति के कगार पर है और जल्द ही इनके सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। सेकेंड लेवल के एग्ज़ाम के लिए आपने सिलेबस का पूछा, तो सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में बता देता हूँ। सेकेंड लेवल का जो सिलेबस रहेगा वो एक मंथ की आपको कोचिंग करवाई थी उस आधार पर रहेगा, और जो आपने पढ़ा है उसी के बेस पे पेपर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन आपको दिए जाए जो करवाए जाएंगे, लेकिन उसके रिलेटेड या उससे मिलती जुलती कुछ ना कुछ डेफिनेशंस जो है आपको दे दी जाएगी, जिससे आपको सॉल्व करना है। यही तो बेसिक होता है ना, कि आपको बेसिक करवा दिया, समझा दिया, लेकिन उस बेसिक के रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो निर्धारित करेंगे विकल्प फाउंडेशन वाले। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो भी क्वेश्चन आएगा वो बाहर से नहीं आएगा, वो सिलेबस के रिलेटेड ही आएगा, यानी वो सिलेबस के अंदर ही होगा। आप बोलोगे जब पेपर आएगा तो कि बाहर से आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो होगा जो आपको करवाया गया है उसके रिलेटेड। दूसरी बात है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के लिए सेकेंड लेवल के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, और मैंने बहुत बार बताया है, कि इसमें आप लोगों का लॉस है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं कुछ भी नुकसान पहुँचाऊँ, चाहे वो समय का हो चाहे वो नॉलेज का हो। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों को 11th का कोई भी चैप्टर्स या कोई भी टॉपिक करवा भी देता हूँ तो गारंटी नहीं होगी कि उसमें से कुछ आ पाएगा, क्योंकि आपने एक महीने में देख लिया होगा कि उनके करवाने का तरीका और करवाए गए क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं, क्वेश्चन वाइज सिस्टम क्या है। ठीक है, बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बताया है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग लगाने की कि सेकेंड लेवल में क्या होगा। फर्स्ट लेवल की कोचिंग बन सकती है, लेकिन सेकेंड लेवल की नहीं बन सकती, क्योंकि निर्धारित किया जाता है विकल्प फाउंडेशन के द्वारा और पढ़ाया जाता है उसी के द्वारा, और एग्ज़ाम जो आएगा उन्हीं के द्वारा आएगा। इसलिए किसी के चक्रों में ना पड़े, जो आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से करें। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ व्यूवर्स के लिए आप लोगों की लाइफ को, जो ये मजबूत मोड है, आप इसे मजबूत मोड मानते हैं सुपर हैंडल प्रोग्राम में जुड़ने का, तो इस मजबूत जो आपकी सीढ़ी है उसको मैं तोड़ूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं सिलेबस के लिए कोई भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाता बार बार बोलने पर, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आपको अध्यापक बोलते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वही चीज़ अगर विकल्प फाउंडेशन ने आपको ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाई है तो आप वो ज़रूर कर लें, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ और भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कौन सी डेट का होगा। डेट का बताया जा रहा है, लेकिन कौन सी डेट का बताया जा रहा है, कोई 22 को बोल रहा है तो कोई 24 को बोल रहा है, कन्फर्म नहीं है। और मैंने भी पता किया है, क्योंकि 29th को एग्ज़ाम है जेई मेंस का, और जेई मेंस के एग्ज़ाम को लेकर जो वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं, और उन बच्चों पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनका अच्छा एग्ज़ाम हो जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 29th से पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद होगा, कब होगा या पहले होगा, उसकी डेट जब भी निर्धारित वहाँ से की जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, और आप कहीं और ना जाएं, किसी के चक्रों में ना पड़ें कि आपको ये कोचिंग करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो फ़ायदा मिल सकता है। आपका लॉस होगा एक घंटे का, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला, ना उस चैनल का कुछ बिगड़ने वाला जो आपको करवाएगा, ना विकल्प फाउंडेशन का कुछ बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा आप लोगों का एक घंटा ख़राब होगा, अगर उसी घंटे में आपको जो ऑनलाइन क्लास करवाई गई है वो करें तो बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे सुपर हैंडेड NDA के बारे में। सुपर हैंडेड NDA का रिजल्ट आ गया, और उसके अंदर 154 स्टूडेंटों को लिया गया है। 154 स्टूडेंटों को लिया गया है, लेकिन लेना 200 के करीब थे, लेकिन क्यों लिया गया वो भी मैंने आपको स्पष्ट और सुदृढ़ तरीके से बता दिया था पहली ही वीडियो जब मैंने क्रिएट की थी सुपर हैंडेड NDA की, कि आप लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितने बच्चे लें। जितना अच्छा एग्ज़ाम होगा वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बच्चे लेंगे, और ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ होगी। हो सकता था वो 250 बच्चे ले लेते, लेकिन एग्ज़ाम पे कोई अच्छा हुआ नहीं, और एग्ज़ाम अच्छा हुआ नहीं इसलिए उन्होंने बच्चों की जो संख्या है 154 रखी है।
अब लेवल उसका भी 2 आता है और लेवल 2 में उसका होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू होने वाला है बोथ लैंग्वेज बट मिक्स लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 10वीं के बाद इतने हाईएस्ट इंग्लिश ट्यूटर तो हमें मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, मैं सीधी बात करने वाला इंसान हूँ इसलिए मैं सीधा बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आती नहीं है, अगर आती है तो आप टाइप कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ये कमज़ोरी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं जाता। और सिखाया क्या जाता है, हिंदी लैंग्वेज भी हरियाणा के बहुत कम स्कूलों के अंदर जो कि गवर्नमेंट स्कूल है बुलवाई जाती है, उनकी आम भाषा जो उनके एरिया के हिसाब से होती है वही वो स्कूलों के अंदर बोलते हैं। यही कमज़ोरी है, इसलिए हम वो नहीं कर पाते उस समय में जिस समय में हमें करना चाहिए। इसलिए हिंदी एंड इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स होने वाला है आप लोगों का इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बारे में अगर बताऊं तो आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा, ये मुझसे लिखवा सकते हैं आप, क्योंकि 154 स्टूडेंटों को तो लिया गया है, इतने तो 200 को लेना था। और 200 को क्यों लेना था, पहले लेना था 300 या 350 बच्चों को और फिर उनमें से 200 रखने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और पहले ही कट ऑफ के अंदर 154 स्टूडेंटों को रखा गया है। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, लेकिन परखा जाएगा कि क्या आप उत्सुक हैं एनडीए के लिए, क्या आपके अंदर जज्बा है एनडीए के अंदर जाने के लिए, या किसी भी अध्यापक या किसी भी पड़ोसी या किसी भी अंकल ने आपका फॉर्म भर दिया और आप ऐसे ही मुंह उठाए पेपर देने चले गए। बुरा मत मानना, लेकिन एक नॉर्मल एग्जांपल की तरीके से मैं बता रहा हूं कि अगर वो देखने वाले हैं कि अगर वो बच्चा सीरियस है उस एनडीए की पोस्ट के लिए तो उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आप लोगों को पढ़ाने में। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर किसी के अंकल के भरवाने से बड़े भाई के भरवाने से पेपर दे दिया है और वो क्लियर भी हो गया है तो अब वो एनडीए के अंदर इंटरेस्ट लाना शुरू कर दे। और वहाँ पे जाना कैसे है इसके बारे में वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको रेडी होकर जाना है, किस तरीके से आपका इंटरव्यू होने वाला है, सारी चीज़ें और उसकी डेट आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। सुपरहिंडर हरियाणा, सुपरहिंडर एनडीए बुनियाद जैसी स्कीमों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने बुनियाद की वीडियो देखी है वो बुनियाद की वीडियो 8वीं वाले 9वीं वाले बच्चों तक पहुँचा दें, ये आपकी जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय भारत।